नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम गणित में अध्याय 8 नक्शा का भाग 2 करेंगे। बच्चों, आपने मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इसके बारे में अवश्य सुना होगा। तो क्या आप बता सकते हो कि हम इन दिशाओं की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ इस गतिविधि को करिए, आप भी इन दिशाओं की पहचान करना सीख जाओगे। सभी बच्चे तैयार हैं? वेरी गुड। तो सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब आपने अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करना है। पूर्व दिशा जानते हो बच्चों? पूर्व दिशा वह दिशा होती है जिस दिशा से सूर्य निकलता है। तो अब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। जैसे यह बच्चा खड़ा हुआ है, अब अपनी दोनों बाहों को विपरीत दिशाओं में फैला लीजिए। सभी बच्चों ने अपनी बाहें फैला ली हैं। शाबाश बच्चों, अब जिस तरफ आपका मुंह है वह पूर्व दिशा है। इस दिशा की पहचान आप इस प्रकार कर सकते हो कि सूर्य जिस दिशा से हर रोज निकलता है वह दिशा पूर्व दिशा कहलाती है। जब आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा तो आपकी पीठ पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो ये आपकी पीठ है तो इस तरफ पश्चिम दिशा होगी और सामने पूर्व दिशा है, क्योंकि इस तरफ से सूर्य निकल रहा है। जब आपने अपनी दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में फैला रखा है तो आपका दायां हाथ, यह आपका दायां हाथ है। सभी बच्चे अपना दायां हाथ हिलाइए। हाँ, यह आपका दायां हाथ है। आपके दाएं हाथ की ओर दक्षिणी दिशा होगी। इसी प्रकार आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तरी दिशा होगी। आइए अब हम दिशाओं के बारे में इस दिशा सूचक स्टैंड के माध्यम से समझते हैं। अब बच्चों ध्यानपूर्वक देखो, यह जो दिशा सूचक यंत्र है इसमें चारों दिशाओं में चार तीर दिखाए गए हैं। पहला तीर पूर्व दिशा की ओर है और पूर्व दिशा कौन सी है? यह वह दिशा है जिस दिशा से सूर्य निकलता है। और इस दिशा के बिल्कुल विपरीत, यानी कि जिस तरफ आपकी पीठ है वह पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की पहचान हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, पश्चिम दिशा में सूर्य हर रोज छिपता है। जब आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है तो आपके दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा है। आपका दायां हाथ दक्षिणी दिशा की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार आपका बायां हाथ उत्तरी दिशा की ओर संकेत करता है, यह है उत्तर दिशा। तो अब आपने इन दिशाओं के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। बच्चों, यह दिशाएं नक्शे पर भी हमेशा लिखी रहती हैं, क्योंकि इन दिशाओं के द्वारा ही हम नक्शे में सड़कों, इमारतों और स्थानों की स्थिति का सही सही पता कर सकते हैं। आइए अब आप मेरे साथ एक छोटा सा खेल खेलिए। इस खेल के बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपने उन सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देना है। जो बच्चा प्रश्न का सही उत्तर देगा वह खेल को आगे खेलेगा, और जो बच्चा सही उत्तर नहीं दे पाएगा वह खेल से आउट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपके लिए चारों दिशाओं के लिए तीर के निशान बना देता हूं। अब आप
यह जो बीच में वृत्त या गोला है इस पर खड़े हो जाइए। इस प्रकार खड़े होकर अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके खड़े हो जाइए। पूर्व दिशा वह दिशा है जिस दिशा से सूर्य निकलता है। तो अब आपके सामने पूर्व दिशा है, आपने अपना मुंह उस दिशा की ओर करके खड़ा हो जाना है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना है। तो बच्चों, अब आपका मुंह किस दिशा में है? अब आपका मुंह पूर्व दिशा में है। अब मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो। जब आप पूर्व दिशा की ओर देख रहे हो तो आपका दायां हाथ किस दिशा की ओर संकेत करता है? आपने पता कर लिया? तो बताओ फिर किस दिशा की ओर संकेत करता है? हाँ, यह संकेत करता है दक्षिण दिशा की ओर। तो यह कौन सी दिशा है? यह दक्षिणी दिशा है। जब आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है इस तरफ, तो यह हाथ आपका दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। बच्चों, यह बताओ कि आपका बायां हाथ किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है? सभी बच्चों ने इस प्रश्न के उत्तर का पता लगा लिया होगा। हाँ, बिल्कुल सही, आपका बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। यह आपकी उत्तर दिशा है जो आपका। अब बची कौन सी दिशा बची है? हाँ, एक ही दिशा बची है, वह है पश्चिम दिशा जो आपकी पीठ की ओर है। तो पश्चिम दिशा आपकी पीठ की तरफ है। अब तो आप अच्छी प्रकार जान गए हैं कि हम दिशाओं के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। बच्चों, यह चारों मुख्य दिशाएं नक्शे पर हमेशा लिखी रहती हैं। जब हम नक्शे को देखेंगे तो यह हमें नक्शे पर दिखाई देंगी। अच्छा बच्चों, मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दो। क्या इन चार मुख्य दिशाओं के अलावा भी और दिशाएं हो सकती हैं? सोचो। हाँ हाँ बताओ। अगर हमें इस दिशा में यात्रा करनी पड़ जाए तो फिर बच्चों, तो हम इसे कौन सी दिशा का नाम देंगे? क्या इसे हम पूर्व दिशा कहेंगे या इसे हम दक्षिण दिशा कहेंगे? इसके अलावा कई बार हमें इस दिशा में भी चलना पड़ सकता है, तो बताओ इसको क्या कहेंगे? इसी प्रकार यहां पर भी एक दिशा यह हो सकती है और यहां पर भी एक दिशा यह हो सकती है। तो बताओ बच्चों कि अगर हमें इन दिशाओं की ओर चलना पड़ जाए तो हम इनको क्या नाम देंगे? यह तो आप जान ही गए हैं कि इन चार मुख्य दिशाओं के अलावा भी अन्य दिशाएं होती हैं। तो यह वह दिशाएं हैं जो इन चार मुख्य दिशाओं के बीच में बनी होती हैं। अब इस दिशा का नाम क्या होगा बच्चों? अब आप ध्यान पूर्वक देखो कि यह दिशा पूर्व दिशा और दक्षिणी दिशा के बीच की दिशा है, तो इसका नाम दक्षिण पूर्वी दिशा होगा। कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व दिशा, क्योंकि यह दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है। ऐसे ही यहां पर इसे हम दक्षिण पश्चिमी दिशा कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, तो यह दक्षिण पश्चिमी दिशा कहलाएगी। अब तो आप इस दिशा का नाम आसानी से बता सकते हो ना? यह दिशा पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच की दिशा है, इसलिए इसको हम उत्तर पश्चिमी दिशा कहेंगे। इस दिशा का नाम बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, इस दिशा का नाम है उत्तर
पूर्वी दिशा। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि चार मुख्य दिशाओं के अलावा भी अन्य दिशाएं होती हैं। जब कभी हमें इन दिशाओं में चलना होता है तो हम इनके लिए इन नामों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, क्या आप इन सभी दिशाओं को दर्शाने वाला एक अच्छा सुंदर सा चित्र या चार्ट बना सकते हो? सभी बच्चे बनाएंगे? हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चों ने बनाना है और फिर इन दिशाओं के नाम लिखने हैं। जब आप इन दिशाओं के चित्र को बना लो तो आप मुझे दिखा सकते हो। बच्चों, अब हम आगे के भाग में नक्शे के बारे में पढ़ेंगे कि नक्शे पर दिशाओं को कहाँ दिखाया जाता है और नक्शे में दिशाओं का क्या महत्व है। इसके अलावा हम नक्शे में दो स्थानों की दूरी ज्ञात करना भी सीखेंगे।